Hello students, let us continue with the last chapter. And in the previous class we have read about the solar system, earth, living things on the earth, sun, and what causes day and night on the earth, and what causes seasons. And we came to know about what is rotation and what is revolution. Now we are just going to start the moon. We are going to discuss about moon, which is given at page number 123. On some nights you can see a round silvery ball in the night sky. आप रात में night sky में on some nights, कुछ nights में आप क्या देख सकते हो? You can see a round silvery ball. एक round color की silver ball आप रात में night sky में देख सकते हो. What is it? It is the moon. What it is, children? It is the moon. It is called the natural satellite of the earth. What it is called? It is called the natural satellite of the earth. Earth ki natural satellite hai moon. Ab ye natural satellite hota kya hai? Natural satellite means wo heavenly bodies hote hain. Heavenly bodies matlab jo space mein rehte hain. So naturally jo ye satellites kya hote hain, they are the heavenly bodies that go around the planet. Planet ki aas paas aisa wo ghoomte rehte hain. So earth apni moon ki ek moon apni earth ki ek natural satellite hai. Moon is also spherical. When it comes to the shape of the moon, earth ki jaisa moon bhi spherical in shape hai, but it is much smaller than the earth. Apni earth se compare karo to moon bahut hi chota hai. Jaisa apni solar system mein 8 planets hai, earth ki natural satellite kya hai? Moon. Aisa baki planets ka bhi natural satellites hai. Ek do planets ki nahi hai, ek planet ki to bahut jyada bhi hai. 60 plus satellites bhi hote hain, है ना? सो ये सब आप क्लास फोर्थ में लर्न करेंगे. नाउ आप इतना समझिए, मून जो रात में नाइट्स में आप सिल्वर बॉल जो ऑब्जर्व कर सकते हो वो क्या है? दैट इज़ नथिंग बट मून, एंड इट इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, एंड मून इज स्फेरिकल इन शेप. बट अगर अर्थ से कंपेयर करो तो मून, द साइज ऑफ द मून इज़ वेरी स्मॉल. इट इज़ मच स्मॉलर देन द अर्थ. नेक्स्ट, द मून इज़ द नियरेस्ट नाइबर ऑफ द अर्थ इन द स्काई. स्काई में अगर सबसे नज़दीक वाला जो भी नेबर है अपना, वो कौन है बेटा? इट इज़ मून. क्योंकि अर्थ से थोड़ा नज़दीक में जो है वो हेवनली बॉडी, वो क्या है? इट इज़ मून. इट इज़ अ रॉकी प्लेस विथ नो एयर. बट मून ऐसी जगह है कम्प्लीटली रॉक से भरा हुआ है. इट इज़ अ रॉकी प्लेस एंड वी कॉन्ट गेट एनी एयर टू. देर इज़ नो लाइफ ऑन द मून. सो दैट्स वाई दिस इज़ द मेन रीज़न वाई देर इज़ नो लाइफ ऑन द मून. द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. सो मून का अपना खुद की लाइट है क्या? नो. इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. इट रिफ्लेक्ट्स. सो सी द वर्ड रिफ्लेक्ट्स. व्हाट डू यू मीन बाई रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन मीन्स कोई भी जब लाइट आता है या कोई हीट हो, लाइट हो, साउंड हो, ऐसी चीज़ों को एब्सॉर्ब करने के बिना थ्रोबैक करना. मतलब एब्सॉर्ब करना मतलब पूरा ले लेना. थ्रोबैक करने मतलब कुछ लेने के बिना थ्रोबैक कर देना. जैसे ओपेक बॉडीज पे जब लाइट फॉल होता है तो आप देख सकते हो क्या होता है. इन द सेम वे जब मून लाइट इसीलिए दे रही है बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स. मतलब वो कोई सन की लाइट को लेती नहीं है, वो अपनी लाइट को वापस कर देती है विदाउट एब्सॉर्बिंग इट, विदाउट टेकिंग एनीथिंग. इट जस्ट थ्रोस इट अवे. इट गिव्स इट आउट बैक. वो वापस देती है. इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन. सो मून का खुद का ओन कोई लाइट नहीं है. इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. सन से जो लाइट आता है दिन में उसी को वो रिफ्लेक्ट करता है. वी ओनली सी द पार्ट ऑफ द मून दैट इज लिट बाय द सन. हम मून का इतना ही पार्ट देख सकते हैं. वी ओनली सी द पार्ट ऑफ द मून दैट इज लिट बाय द सन. सन से जितना पार्ट लाइटनिंग हो रही है उतना ही पार्ट हम मून में देख सकते हैं. Different shapes of the moon is visible to us as the positions of both the earth and the moon keeps changing. And ये doubt तो होना चाहिए. मैम moon कभी complete circle में दिखता है, कभी वो circle धीरे धीरे छोटा होता रहेगा, फिर आधा होएगा, फिर बिल्कुल एक पतला सा line हो जाएगा, फिर एक आधा दिन तो बिल्कुल दिखती नहीं है. Why we are having different types of the shapes of the moon? Because different shapes is visible to us as the position of both the earth and the moon keeps changing. मून या अर्थ एक ही पोजीशन में बैठे रहें क्या? नहीं. अर्थ अपनी खुद की एक्सिस पे घूमता रहता है और इवन अराउंड द सन ऑल्सो. ऐसा मून भी हमेशा, वट मून डूज इट ऑल्सो रोटेट्स. मून ऑल्सो रोटेट्स.
so because of their changing positions, they can't be the same all the day. Moon can't be the same all the day. On a all the days, on a full moon day, मतलब जिस दिन आपको full moon day observe करते हो, उस दिन आप क्या देख सकते हो? The name itself says a lot. Full moon day मतलब completely, we can see the whole of the moon. मतलब moon की complete moon हम देख सकते हैं. And sometimes कुछ दिन क्या होता है, we only see the part of the moon. हम तो बहुत छोटी छोटी part ही देखते हैं. इधर figure 16.6 observe करिए children. This is the earth and the moon. देखो earth की size से compare करो तो moon कितना छोटा है, isn't it? The moon takes 28 days to go around the earth once. So moon को पूरा earth की तरफ एक चक्कर लगाने में कितना दिन लगते हैं बेटा? It will take 28 days, complete 28 days. On some days, कुछ दिनों में क्या होता है? You do not see the moon at all. आप बिल्कुल moon को नहीं देख सकते हो. It is called the new moon. ऐसा दिन को हम क्या बोलते हैं? New moon. जिस दिन हम complete moon को देखते हैं, वो full moon है. और ये new moon है. This happens when new moon comes between the earth and the sun. ये कब होता है? जब moon earth और sun के बीच में आता है. This happens when moon comes between the earth and the sun. Earth और sun के बीच में जब moon आ जाता है, तब then we can see new moon. So we on earth do not get to see the moon as it does not get any sunlight from the sun. But अपन earth में जो लोग हैं, उस दिन हम moon को क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि क्या होता है, उस दिन moon earth और sun के बीच में आ जाता है. और sun बिल्कुल ही, we cannot see the moon as it doesn't get any sunlight from the sun. Sun से कोई भी sunlight ले नहीं पाता है. And this particular day is known as new moon. इसी को हम बोलते हैं new moon. So on new moon days, what happens when moon comes between earth and sun? Earth और sun के बीच में moon आ जाता है. That's why we cannot see the moon as it does not get any sunlight from the sun. क्योंकि moon कहाँ आ रही है? Earth and sun के बीच में. So moon earth और sun के बीच में आ गया तो sunlight moon तक reach नहीं होता है. That's why we cannot see moon on that day. ऐसा पूरा जब moon की एक rotation होता है 28 days में, कभी एक दो दिन होता है तो उसी दिन हम moon को नहीं देख सकते हैं. Next, on some days कुछ दिन क्या होता है, you see whole of the moon, complete moon को आप देखते हो, it is called the full moon. इसको बोलते हैं full moon. When more than half of the moon is visible, पूरा से थोड़ा ज़्यादा जब मून दिखता है, मतलब मोर देन हाफ ऑफ द मून, मतलब हाफ से भी थोड़ा ज़्यादा जब दिखने लगती है, इसको हम बोलते हैं गिब्बस मून. व्हाट इट इज़ कॉल्ड चिल्ड्रन? गिब्बस मून. समटाइम्स द पार्ट ऑफ द मून दैट इज़ विजिबल मे हैव ए क्रेसेंट शेप. ऐसा देखिए, मून की जो शेप हम ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं क्रेसेंट शेप, एंड इट इज़ कॉल्ड अ क्रेसेंट मून. सो एक तो जब फुल देखेंगे, फुल मून, जब बिल्कुल मून नहीं दिखती है न्यू मून, एंड जब हाफ से अबो है गिब्बस मून, एंड बिल्कुल छोटा से मून से जो स्टार्ट होता है मून की शेप की, वो क्रेसेंट मून है. वी कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मून्स. फिगर 16.7 में आप सारे मून की शेप्स देख सकते हो. नाउ द स्टार्स. व्हाट इज अ स्टार? अ स्टार इज अ मासिव ल्यूमिनस बॉडी विच हैज लाइट ऑफ इट्स ओन एंड अपीयर्स टुगेदर इन ग्रुप्स टू फॉर्म पर्टिकुलर शेप इन द स्काई. स्टार क्या है? एक बहुत बड़ा, मासिव मतलब बहुत बड़ा, ल्यूमिनस बॉडी. ल्यूमिनस मीन्स विच गिव्स आउट लाइट. ये हमने लाइट चैप्टर में भी किए थे. विच हैज लाइट ऑफ इट्स ओन. और स्टार का अपना ओन लाइट होता है. जैसा मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, उसका ओन लाइट नहीं होता है, स्टार का ओन लाइट होता है. अपीयर्स टुगेदर इन द ग्रुप्स टू फॉर्म पर्टिकुलर शेप इन द स्काई. कई बार क्या, ये स्टार्स सब टुगेदर होके एक बड़ा सा ग्रुप फॉर्म करते हैं, और एक ग्रुप फॉर्म करके एक पर्टिकुलर शेप्स भी फॉर्म करते हैं. दीज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशंस. व्हाट वी विल कॉल चिल्ड्रन? सी द वर्ड कॉन्स्टिलेशंस. ऐसी ग्रुप ऑफ स्टार्स को, मतलब बहुत सारे स्टार्स मिलके एक छोटा सा ग्रुप एक पर्टिकुलर शेप में, वो शेप कैसे भी हो, एक पर्टिकुलर शेप में फॉर्म होते हैं. ऐसी ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशंस. द स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस. स्टार्स अपन से बहुत दूर में हैं.
विच इज़ वाई दे लुक टाइनी इन द स्काई. यही रीज़न है कि स्टार्स बहुत छोटे छोटे दिखते हैं. जैसे इतना छोटे नहीं अपन मून से भी बड़े हैं, बट मून अपना नज़दीक है थोड़ा, इसीलिए थोड़ा बिग साइज में देख पा रहे हैं हम. और मून से भी, अर्थ से मून का जितना दूर है, मून से भी स्टार तक और भी दूर है. दैट्स वाई वी कैन सी ओनली स्मॉल स्मॉल टाइनी स्टार्स इन द स्काई. सम फेमस कॉन्स्टिलेशंस, ऐसा स्टार्स ग्रुप बना के ऐसा जो फॉर्म किया, इसका कुछ फेमस कॉन्स्टिलेशंस है जिसका नाम है ओरियन एंड उर्सा मेजर. ओरियन और उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन के एग्जाम्पल्स के ऐसा और भी बहुत सारे हैं. सो चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट मून एंड द स्टार्स. सो गो थ्रू द वीडियो प्रॉपरली एंड definitely try to read the whole chapter so that you can understand each and every concept clearly. Thank you.